वहीं भारत के प्रथम पायदान पर काबिज पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने अपनी 63वीं वर्षगांठ मनाते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत शासकीय विद्यालय की मेघावी छात्राओं का स्वागत सम्मान किया गया एवं मेघावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 3 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शानदार 63 वर्ष पूर्ण होने पर 63वीं वर्षगांठ पर एक पहल करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रदेश से लगभग 82 छात्राओं को मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत पुरस्कृत किया जाना है और दुर्ग जिले से 3 छात्राओं का चयन भी किया गया है। प्रदेश की इन 82 चयनित मेधावी छात्राओं में दुर्ग जिले की 3 छात्राओं को दुर्ग पुलिस व इंडियन ऑयल के द्वारा सम्मान राशि प्रदान की गई। सेक्टर 6 पेट्रोल पंप परिसर में आयोजित मेधा छात्रवृत्ति सम्मान में छात्राओं को सम्मानित करने दुर्ग पुलिस अधीक्षक विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही एएसपी संजय ध्रुव, सीएसपी नासिर सिद्दीकी, ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह सहित गणमान्य लोग शामिल रहे। अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर जहां सम्मान किया गया, वह दुर्ग एसपी के द्वारा चयनित 3 छात्राओं को सम्मान राशि प्रदान की गई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इंडियन ऑयल द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर में 82 छात्राओं को छत्तीसगढ़ में जो शासकीय स्कूलों से जिन्होंने अच्छे अंक 10वीं में पाए हैं उनको 10,000 रुपये का चेक आज दिया गया। इसमें कि दुर्ग जिले के 3 बालिकाएँ हैं, इन तीनों को आज यहाँ पर सेक्टर 6 और पुलिस पेट्रोल पंप में इनको आज सम्मानित किया गया, 10,000 रुपये का चेक दिया गया। इनको आगे भी कुछ सहायता की आवश्यकता होगी तो पुलिस तत्परता से उनको मदद करेगी। सर, अगस्त का जो महीना है वो दुर्ग पुलिस ने उसको कम्युनिटी पुलिसिंग और सोशल पुलिसिंग के रूप में उसको कंडक्ट किया है, क्या पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा कंसेप्ट ये है कि हम जनता के साथ जुड़ पाएँ, जनता की अपनी समस्याओं को हम तक रख पाए और निश्चित रूप से हम इनोवेटिव तरीके से जनता के साथ जुड़ के उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, जिससे कि दुर्ग पुलिस जो है अपना स्थान छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठतम पुलिसों में रख पाए। इंडियन ऑयल व दुर्ग पुलिस का ये प्रयास काफी सराहनीय है। पुरस्कृत छात्राओं का उत्साह वर्धन तो जहां होगा, वहीं वे आर्थिक सहायता से मजबूत होंगी व लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर होंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।